पंजाब सरकार की तरफ से बटाला के बेरिंग कॉलेज में से रोड निकालने का मामला पूरी तरह से गर्मा चुका है और कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के अपने ही नेताओं ने बगावती सुर बोलना शुरू कर दिए हैं। इस मामले को लेकर जहां पूर्व कांग्रेसी मंत्री अश्विनी सेखड़ी पहले ही साफ साफ विरोध दर्ज करवा चुके हैं, वहीं अब इस मामले को लेकर ईसाई अल्पसंख्यक कमीशन पंजाब के चेयरमैन सलामत मसीह भी कॉलेज में से सड़क निकालने को लेकर अपनी ही सरकार का विरोध करने की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर पार्टी के अपने ही राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा द्वारा भी मुख्यमंत्री पंजाब को बकायदा एक चिट्ठी लिखकर कॉलेज में से रोड न निकालने की दरख्वास्त दी गई। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज प्रशासन द्वारा इस पूरे मामले को जाति बताते हुए ईसाई समुदाय के साथ अन्याय बताया जा रहा है। इस मामले के विरोध को लेकर आज बेरिंग संस्था द्वारा ईसाई समुदाय को एकत्र कर शक्ति प्रदर्शन किया गया। अपनी सरकार तुम नुमाइंदे सरकार दे तो सरकार दे बेच ही तुहाडे ही समुदाय नाल धक्का हो ठीक है। देखो नुमाइंदियां जिहड़ियां सरकार दियां ये लोगों की नुमाइंदगी है, जे मैं अज इस चेयरमैनशिप से बैठा तो ड्यू टू द क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियनिटी एक बंदे पहलो क्रिश्चियनिटी पहलो मेरे लोग फिर सरकार असी अपनी कौम के नाल हाँ कौम वास्ते जो कुछ करना पे तैयार हाँ। बस सरकार ही कह रही है कि बेरिंग कॉलेज के बच्चे सरकारी जमीन है जितने सड़क कटी जाए। देखो साड़ी मीटिंग हुई सी मेरे खिला चार पाँच दिन पहले वो असी आख्या मैं बोलिया कि जे पंजाबी कहते हैं ना जे किला भी ठोकया हो किसी तो ठाक पुट नहीं सकता ये तो 84 74 की चार दवारी हुई है जे असी कब्जे दे वेखिए ना भी साडा कब्जा वा तो कब्जा नहीं तोड़ा सकता कोई इट भी नहीं पुटन देनी इतने चाहे जिन्नी मर्जी कुर्बानियां देन पैणा। फिर अपनी सरकार के खिलाफ भी खड़े हो गए जरूर जरूर खड़े हैं चेयरमैन इज नथिंग फॉर मी आई हैव टू स्टैंड विद माई कम्युनिटी। आज किसी के दिमाग में कैसे आया कि इसके बीच में से रास्ता निकालें? तो तब से कॉलेज के जो अथॉरिटीज़ हैं प्रिंसिपल साहब और स्टाफ और बाकी इंस्टीट्यूशन तब से धरना दे रहे हैं। तो आज जितने भी डिनोमिनेशंस हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया मेथडिस्ट चर्च सल्वेशन आर्मी चर्च रोमन कैथोलिक चर्च और उसके साथ साथ कुछ बाकी जो नॉन क्रिश्चियन स्कूल्स भी उन्होंने भी इंस्टीट्यूशन को बंद किया है ये रोज प्रदर्शन करने के लिए कि जो इंस्टीट्यूशन 150 साल से हम पीसफुली चला रहे हैं तो उसमें बाधा क्यों आप ला रहे हो। तो अभी हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट के तरफ से ऐसे डिक्लेरेशन हो प्रेस स्टेटमेंट दिया जाए कि ये नहीं होगा क्योंकि ट्रैफिक कंजक्शन की बात है तो जो सामने रास्ता है जब रास्ता को हम चौड़ा करेंगे उसमें दोनों पार चाहे 4 फुट 5 फुट हमें छोड़ना पड़े हमें कोई एतराज नहीं है क्योंकि ये तो पब्लिक के लिए है मगर ये तो तुक बनती नहीं है ना कि कॉलेज के थ्रू हम कुछ करें। सो ऑलरेडी हमने भी कहा है कि रोड को वाइडनिंग करने के लिए जो मेन रोड है उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो हम उसके लिए राजी हैं और वो भी हमें बिना बताए इंस्टीट्यूशन को बिना बताए कोई नहीं करेगा। सरकार कहते हैं कि हम रास्ता निकालेंगे और कॉलेज क्या कहता है कॉलेज क्या चाहता है? ये असंभव है कम से कम मैं तो कह दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ये नहीं होगा। कॉलेज का काफ़ी देर का मसला उठा हुआ तो प्रशासन ने तुम्हें कहा कि 28 तरीक में तुम अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स आ वो साढ़े को लिया सकते हो तो वालों की किया गया 28 असी DC मिले थे और DC साड़ी गलबात हुई सी साडे चेयरमैन साहब गए सीगे और उन्होंने कहा सीगा भी तुसी जिन्ना भी टाइम लेना वो लाओ और सारे डाक्यूमेंट्स जिहड़े ने दोनों पासों देख के किसी नाल कोई ज्यादती नहीं होएगी उन्होंने सानू आश्वासन दवाया सीगा और उन्होंने कहा सी कि इन द मेन टाइम किसी तरह की कोई भी दखलंदाजी उत्थे नहीं होएगी। नंबर 1 नंबर 2 के सरकार दे नुमाइंदे
अपना मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर बाजवा ने भी ये गल कही सी कि बेरिंग कॉलेज को कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिता जाएगा, इसी ग्राउंड दे विच किसी तरह की कोई भी दखलंदाजी नहीं की जाएगी, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। सरकार ने अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए ही दसिया कि सरकार की जगह बनती है बेरिंग कॉलेज के मैनेजमेंट के कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मैं लीगल डॉक्यूमेंट की गल कर रहा है कि 31/27 नंबर है जिहड़ा 58 कनाल का रकबा 58 कनाल प्लस रकबा है और वह सरकार दे रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड के जमाबंदी की नकल तुम दिखा दी होएगी मेरे ख्याल दे, नहीं तो कितने भी जाके देख सकते। आने वाले दिनों के सिर्फ अज संघर्ष जोड़ा है ये कोई अगे संघर्ष नहीं तोड़ांगे जिन्ना चर सरकार जी है वो साढ़े नाल है और सरकार सानू विश्वास दिंदे उन्होंने विश्वास भी करते हैं क्योंकि किसी छोटे बंदे ने विश्वास नहीं दिता, डीसी ने विश्वास दिता है और कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर ने सानू ये विश्वास दवाया, इस करके असी उन्होंने शब्द जोड़े उन्होंने आने कर। अगर विश्वास टुटता तो फिर विश्वास टुटता है तो फिर अगली रणनीति जी लीकी जाएगी लोगों मिल के की जाएगी। किस तरह की रणनीति कुछ भी हो सकती है ये बारे अजे मेरे ख्याल टाइम तो पहले की गल है। वहीं दूसरी ओर अगर बटाला की यातायात समस्या को देखा जाए तो पंजाब सरकार का रोड निकालने का निर्णय समय की मांग के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त है और सरकार द्वारा बनाया जा रहा ये रोड नया नहीं है बल्कि रेवेन्यू विभाग के मुताबिक किस जगह पर शुरू से ही रास्ता मौजूद था जिसे कॉलेज प्रशासन द्वारा धीरे धीरे कर खत्म कर दिया गया। इस हिसाब से सरकार व प्रशासन कॉलेज का रास्ता न लेकर पुराने रास्ते पर ही रोड निर्माण करवाना चाहती है लेकिन ये कॉलेज प्रशासन को बिल्कुल मंजूर नहीं। बटाला से जसविंदर बेदी के साथ ममता कुमारी की रिपोर्ट।